कांवड़ यात्रा के समय उत्तर प्रदेश प्रशासन ने रेहड़ी पटरी और ढाबे वालों के लिए नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे वापस लेना पड़ा था। आपको याद होगा, दिल्ली की नजफगढ़ सब्जी मंडी में एक ऐसा ही मामला सामने आ गया है। रेहड़ी पटरी के आगे नेम प्लेट लगा लिखा है, नजफगढ़ फल और सब्जी मंडी में कार्यरत मंडी एसोसिएशन के सदस्यों की ओर से लगातार अनजान लोगों की ओर से रेहड़ी पटरी लगाने की शिकायत मिल रही थी। और इसके बाद नेम प्लेट लगाने का फैसला किया गया है। बीजेपी पार्षद अमित खरकड़ी ने दावा किया है कि पिछले कुछ दिनों से नजफगढ़ सब्जी और फल मंडी में शिकायतें मिल रही थी कि अनजान चेहरे रेहड़ी लगाने के लिए आ रहे हैं। इन लोगों को स्थानीय मंडी एसोसिएशन जानती तक नहीं है, जिसके बाद मंडी एसोसिएशन के साथ बैठक की गई और हर रेहड़ी पर उनकी पहचान, फोन नंबर और रेहड़ी नंबर लिखकर लगाने पर सहमति बनी। जो वहाँ की एसोसिएशन हैं वो शिकायत कर रही थी कि अनजान चेहरे और जिनको वो जानते नहीं ऐसे लोग लगातार नज़र आ रहे हैं रेहड़ी पटरी लगाने के रूप में। तो मंडी एसोसिएशन के साथ मिलके हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि हर रेहड़ी पर अपना नाम वो खुद लगाएंगे मंडी वाले, और ये एक सार्थक पहल हुई और पूरी नजफगढ़ सब्जी मंडी में शुरुआत हो गई है। मेरी मौजूदगी इस वक्त नजफगढ़ सब्जी मंडी में है, जहां पर रेहड़ी पटरियों पर नेम प्लेट लगाई गई हैं और बाकायदा नाम के साथ साथ उनके नंबर्स यहां पर लिखे गए हैं। मैं एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, सब्जी मंडी की तस्वीर है और कुछ इसी तरह के नेम प्लेट यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं सावित्री देवी, और यहाँ पर संतरे बेचे जा रहे हैं। यहाँ आप देखिए एक दूसरी ठेली पर आप देखेंगे अक्तबा राइन, ये देखिए यहाँ पर भी नाम लिखा गया है, और यहाँ देखिए मोहम्मद मिंटू राइन, ये तस्वीर देखिए यहाँ पर, और दूसरी तरफ भी आप दिखाएंगे तो यहाँ पर भी इसी तरह के नाम और नंबर लिखे हुए हैं। देखिए एक ये नाम लिखा हुआ है, राजा राम का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, लोगों से बात करते हैं जो इन रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, इनसे एक बार समझते हैं और पूछेंगे कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या है। ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद इम्तियाज़ राइन। मोहम्मद इम्तियाज़ राइन, इम्तियाज़ साहब, ये जो नाम नेम प्लेट लगाई गई है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या कहा गया है? देखिए सर, नाम जो लगा है ठीक लगा है, कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे सरकार के राजी है हम भी राजी हैं, नाम से कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी जो लेना है वो कहीं भी ले लेगा, बस भेदभाव ना हो, बस मेल मिलाप के भाईचारा एक बना रहे, बस बात ये है। और राजी कुछ नहीं है, नाराजगी कुछ नहीं है, ना सरकार से ना लोगों से, ना कुछ की नाराजगी नहीं है।